साजिश के तहत पुलिस ने निशाना बना करके टारगेट करके लीडर्स के ऊपर हमला किया, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया। इसके पीछे पुलिस की मंशा प्रोटेस्ट को रोकने की या प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने की बिल्कुल नहीं थी। घायल अवस्था में जब सड़क पर कार्यकर्ता पड़े हुए थे, जब मैं खुद घायल अवस्था में सड़क पर मौजूद था, कार्यकर्ताओं ने मुझे किसी तरह घेर करके बचाया है। पुलिस ने घेरा बना करके चारों तरफ से लाठीचार्ज करके सिर के ऊपर निशाने लिए। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हरियाणा पुलिस लीडर्स की हत्या करना चाहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को की हत्या करना चाहती है, और बीच बचाव में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी से हमला हरियाणा पुलिस ने किया। पहले पहले पुलिस इस पूरे प्रोटेस्ट से डील कर रही थी, तो उनके पास जो पुलिस के पास जो लाठियां होती हैं प्लास्टिक की, वो लाठियां उनके पास थी, उससे वो कंट्रोल कर रहे थे सिचुएशन को। लेकिन बाद में एक गाड़ी में भर करके अलग से कुछ लोग आए जो सिविल ड्रेस में थे, और उनके हाथ में इस तरीके के लकड़ी के डंडे थे जो कि गुंडों के पास होते हैं। पुलिस इस तरीके के डंडे नहीं रखती है, ये गुंडों के पास इस तरीके के डंडे और हथियार होते हैं जो अपनी गाड़ियों में लेके चलते हैं। एक अलग से गाड़ी में ये तमाम लोग आए और इन्होंने सिर को निशाना बना करके कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हैं। हमारा सवाल स्पष्ट तौर पर यह है कि जुडिशियल जांच होकर के ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति कौन थे जो सिविल ड्रेस में वहां पर मौजूद थे, किसके इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई की गई। हम इस बारे में चुनाव आयोग से ये अपील करेंगे कि वो जुडिशियल इंक्वायरी इस पर बिठाएं, इसकी पूरी जांच कराएं कि क्या टारगेटेड तौर पर लीडर्स को खत्म करने के लिए उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, क्या पुलिस की आड़ में प्राइवेट गुंडों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला कराया गया, और कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट आपने हाल फिलहाल में देखा है जिसमें एक ही प्रोटेस्ट में, जो कि बहुत विशाल कोई इस तरीके का प्रदर्शन नहीं था कि जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती, फोर्स बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थी, ऐसे प्रदर्शन में 54 कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए जाएं, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, उनके हाथ तोड़ दिए जाएं, इस तरीके का कानून व्यवस्था को बनाने का कौन सा पुलिस मैनुअल के अंदर प्रावधान है। हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा करके इन सारे मुद्दों के ऊपर स्थिति को स्पष्ट करे।